आइए देशवासियों थोड़ी सी देश के लिए बातें करें। हर सुबह हो या शाम देश की मजबूती आन बान शान शक्ति विकास की बातें करनी चाहिए। जिस तरह से देश के फौजी शाम हो या सुबह सिर्फ देश की रक्षा सुरक्षा करने में हमेशा तैनात रहते हैं, बॉर्डर पर चट्टानों की तरह खड़े रहते हैं। सर्दी हो गर्मी हो कड़ाके की गर्मी पड़े बारिश हो तूफान आए बर्फ गिरे सब कुछ सहते हुए हमारे देश के फौजी टस से मस नहीं होते, सिर्फ देश की रक्षा में हमेशा बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। वैसे ही देश के हर नागरिकों को सीखना चाहिए एकता अखंडता और देश की रक्षा करने में। और हम सलूट करते हैं उन फौजियों को जो देश की रक्षा में हमेशा 24 घंटा लगे हैं। ऐसे फौजियों को हमेशा विजयी भाव। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा धरती तपोस्थली देश, इस देश में सब कुछ प्राकृतिक ने भरपूर सब कुछ दिया है, बस आपको ढूंढने की जरूरत है। गंगा जमुना सरस्वती बहुत सी जड़ी बूटियों द्वारा बनाया गया पेड़ पौधे आज ही हम सबको ढूंढने की ज़रूरत है। हिमालय हो पर्वत हो मरुस्थल हो या रेगिस्तान हो हर जगह कुछ न कुछ ऐसे जड़ी बूटी पाए जाता। आगे एक रिपोर्टिंग देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से। आगे आपको प्राकृतिक की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ लालचंद सोनी, लगातार आपको पर्यावरण के बारे में आपको जागरूक करता रहा हूं और आप जाग भी रहे हैं। तो आइए हम सब चलते हैं अपने शहर और गांव की तरफ। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल जी लगातार जो है प्रदूषण को भगाने के लिए मिशन छेड़ रखे हैं। बहुत सारे प्रचार आपको दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आपको होल्डिंग पेपर आपको न्यूज में बहुत सारी ऐसे जो होल्डिंग पेपर सड़कों पर जो दिखाई देती है वो आपको मिल जाएगी। वह हम सड़कों से लिया गया होल्डिंग पेपर से आपको ऐड दिखा रहा हूँ, जिससे आप जानते हैं कि आज युद्ध इसमें लिखा है रेड लाइन रेड लाइट ऑफ गाड़ी ऑफ यानी प्रदूषण से युद्ध कीजिए। या दिल्ली सरकार का या सबसे बड़ा आप देख सकते हैं कि आज जो है प्रदूषण को भगाने के लिए लगातार पर्यावरण को सेव करने के लिए इस तरह से योजना चला रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यह भागीदारी आप सिविल डिफेंस की है जो हर चौराहे पर हर लाल बत्ती पर आपको खड़े हुए मिलेंगे, आपको जागरूक करेंगे और आपको सारे कुछ बताएंगे। तो आइए हम सब भी युद्ध प्रदूषण के लेकर लड़ाई लड़ें और हम सब बताएं लोगों को कि आज जिस तरह से प्रदूषण को लेकर आज झकझोरता हुआ आज दुनिया दिखाई दे रही है वही चिंतित भी है। तो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रदूषण का जिस तरह से अभी हम एक हफ्ता पीछे जाते हैं तो विश्व में सबसे ज़्यादा प्रदूषण दिल्ली में पाई जाती थी। तो लेकिन अब जो है जिससे बारिश हुआ है और उसके अनुसार अब थोड़ा सा ग्राफ नीचे हुआ है, लेकिन प्रदूषण आज भी दिल्ली में मौजूद है। देश इस देश की सब कुछ प्राकृतिक ने भरपूर आप आनंद के साथ रह रहे हैं और यह आपको बता दूं कि आपको चिंतित भी रहना होगा प्रदूषण को लेकर। जिस तरह से प्राकृतिक की हर सफ़र में आपको आज सुबह टाइम बताता रहा है और पेड़ पौधे लगाने के लिए संकल्प करता रहा जीवन को सुखमय बनाने के लिए, आप सभी लोग हाथ पे हाथ रखकर मत बैठिए। आप सभी लोग जागिए और जीवन में पर्यावरण के अपार जो आप देख सकते हैं शक्ति उसे आप अपनाइए। जैसे कि हमें शुद्ध हवा चाहिए और शुद्ध बॉडी शुद्ध जो है निरोग चाहिए स्वस्थ जीवन चाहिए, तो इसके लिए आपको हमेशा एक कदम आगे बढ़ना होगा। तो आइए हम सब सबसे पहले टायर न जलाएं और दूसरा है आप कूड़ा करकट न जलाएं और तीसरा है कि आप जो है कोई किसी तरह का पॉलीथीन न जलाएं। जैसे कि बहुत सारे बड़े बड़े पॉलीथीन होते हैं उसे लोग जला देते हैं या ख़तरनाक है और हम सबको ही प्रदूषण से सबसे ज़्यादा घातक बन सकता है। इसलिए आइए हम सभी लोग मिलकर इस युद्ध में शामिल हों और सभी पर्यावरण के लेकर आप सभी का हार्दिक स्वागत जिस तरह से आज सुबह टाइम्स करती आई है। और आप भी जागिए और आप भी जगाते रहिए। तो आइए हम सब प्रदूषण को लेकर हम आज जो है एक कदम आगे बढ़ते हैं और राष्ट्र को निर्माण को सल्यूट करते हैं और राष्ट्र हित को मजबूत करते हैं। आइए संसार के हित में चलते रहिए एक न एक दिन मुकाम जरूर आपको मिलेगी। तो आइए हम सब सामाजिक मुद्दों के लेकर आज आगे बढ़ें, वातावरण को शुद्ध बनाएं, प्राकृतिक की दुनिया में हमेशा मिशन
चलाते रहें। अच्छा हवा ही मानवता को सबसे अच्छी मानव जीवन बना सकती है। तो आइए इस युद्ध में प्रदूषण को हटाइए और आगे चलकर आप सभी स्वस्थ जीवन अपनाइए। शुद्ध हवा रहेगा तो आप सबसे पहले निरोग रहेंगे और हमेशा मानवता के प्रति अच्छी सोच रखेंगे। आपका जीवन अति अनमोल है और सच्ची लगन, सच्ची ईमानदारी के साथ जो नई सुबह नई किरण के साथ आती है वह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। फिर हम आपसे किसी मुद्दे के साथ मिलेंगे। बस प्रदूषण को लेकर आप युद्ध कीजिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।